भीमनगर में हम देख रहे हैं कुपोषण का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और उसी के कारण बच्चों में कुपोषण का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। आंगनवाड़ियाँ वक्त पे खुल नहीं रही है, आंगनवाड़ी में जो अनाज आता है 2 महीने के बाद एक बार आता है, वो भी सूखा अनाज आता है, उसके कारण बच्चे रोज का खाने से वंचित रह रहे हैं। शेजारीच आंगनवाड़ी आहे, आम्हाला मार्च महिन्यापासून रेशन घेता आंगनवाडीत, आमचं नावं पण आहेत, पण आमच्या एरियातल्या लोकांना ना माहिती पडत, ना बोलवत, ना वजन करायला बोलवत, सेविकाच येत नाहीत, आमच्याकडे प्रॉब्लेम होता असं होतं तसं सांगतात, आणि आम्ही तक्रार केली पुढे ह्याच्या त्याच्याकडून नंबर घेऊन, तर बोलतात तुम्ही निवडणुकीला उभे आहेत का, तुम्ही त्यांच्याकडे तक्रार का केली। मी म्हटलं आम्ही आमच्या हक्कासाठी लढतोय, आम्हाला वजनं मुलांची कळायला पाहिजेत, आम्हाला रेशनिंग भेटायला पाहिजे की आम्ही ते रेशनिंग करून आम्ही मुलांना देऊ शकतो, यासाठी 50-60 तरी मुलं भेटतील की ज्यांची नावं आहेत आणि त्यांना रेशनिंगच भेटत नाहीत। लॉकडाऊनच्या टाइमने इस बात का समस्या का सामना करना पड़ा की मेन बात तो खाने पीने की तंगी बहुत हुई थी, बच्चे को खाना नहीं मिलता था, बच्चे रोते थे मम्मा खाना दो ये दो, तो अभी उस तरह की मैं राशन वगैरह नहीं, ना बाटला ना चूल्हा ना कुछ नहीं, मुझे उसमें राशन नहीं मिला आंगनवाड़ी से। अभी पता नहीं, जब भी जाती थी तो बोलते थे कि आपका नाम नहीं बच्चे लोग का, आप नाम पहले लिखा लो, तो 2 बार मैं जाके नाम लिखा ली तो भी मुझे राशन नहीं मिला, बच्चे को खाना नहीं था कुछ नहीं था, अभी बच्चे भूखे रोने लगते थे, रोता था मेरा टक्कू, बोलता था मम्मा भूख लगी है, 8 किलो का था तो बीच में ना नैने बोले तो बीमार पड़ा था ना, तो 2-3 महीना 2 किलो तो कम हो गया, 2-2.5 किलो कम हो गया था अचानक में ही, पता नहीं कैसे तो दिन निकाले। अरे हमारे दिन बहुत बेकार गए, कैसे गए, मेरे हस्बैंड है ना काम नहीं रहता था, बड़ी बात नहीं बोलते, बाथरूम वगैरह धोने के लिए जाते थे, अभी काम ही नहीं है तो क्या करेंगे, जो मिलता था वो बोलते थे छोटे छोटे बच्चे मेरे अभी खिलाना है मैं हूँ, तो वो क्या करते थे 200-300 जो भी देगा कोई वही जाते थे लेके आते थे, जब जाके हमारा घर चलता था, एक टाइम अगर खाना बनाए ना दो टाइम बैठ के हम खाते थे। राशन आंगनवाड़ी से राशन नहीं मिला मुझे, राशन मिलता था तो मैं बच्चे लोगों को खिलाती थी वही राशन कुछ भी बना कर, फिर प्लस है कि राशन नहीं मिलता था तो नहीं खिलाती थी। आता है, वो भी कितने महीने में आता है? ऐसे तो बोलते हैं कि महीना महीना आता है, कभी कोई बोलता है 2 महीने से आता है, पर कभी मुझे तो अभी तक 6-7 महीने से मिला ही नहीं, तो सूखा तो राशन नहीं मिला, अगर गीला वगैरह मिलता रोज मिलने लगेगा तो मैं रोज खिलाऊंगी मेरे बच्चे को। मेरी ये मांग है कि अगर आता है राशन तो हम लोग तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो दो। सगळे हात मजूर आहोत, कधी आमची चूल पेटते कधी नाही पेटत, तर आम्ही तिथे आम्हाला कळलं की ते बाबा ओला खाऊ मिळतोय, ते आम्ही डब्यातून आणून मुलांना 2 वेळेचं तरी आम्ही त्यांना देऊ शकतो, आणि आमच्यामुळे इतरांना पण कळेल की बाबा इथे खिचडी वगैरे असं ओला खाऊ भेटतो, ते पण आम्हाला रोज भेटलं पाहिजे, रोज भेटलं तर आमच्या मुलांच्या पोटात 2 गरम गरमचं वेळेचं ताजं जेवण जाईल, त्याच्याने आमच्या मुलांची प्रगती होईल, वजन वगैरे वाढेल, की 2 घास त्यांच्या अन्न ताजा ताजा आणि गरम गरम पोटात जाईल ओला आरामुळे। भीमनगर के बस्ती में आंगनवाड़ी तो है, पर उस आंगनवाड़ी में वक्त पे खाना नहीं मिल रहा है, और दूसरी ओर भीमनगर में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और आंगनवाड़ी उन सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, कोरोना के चलते हुए बच्चों तक खाना न पहुंचने की वजह से बच्चे कुपोषण की ओर जा रहे। ये बात जब हमने बस्ती के युवाओं को बताई तब बस्ती के युवा आगे आए, उन्होंने अपने बस्ती का सर्वे किया। पावर ग्रुप की लड़कियां हैं, उनके थ्रू आज बस्ती में एक सर्वे किया जा रहा है, जल्द से जल्द एक अर्जी देंगे सरकार को ताकि हमारे एरिए में एक आंगनवाड़ी बनाए। कल इस सर्वे को साथ में लेते हुए एक अर्जी लिखी जाएगी और वो अर्जी महिला और बाल विकास के ऑफिस में दी जाएगी। हम चाहते हैं हमारी बस्ती में सरकारी आंगनवाड़ी आए जो बच्चों को पोषण दे, जो प्रेग्नेंट महिलाएं उन्हें उनका केयर करे, उन्हें टीका दे, जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें भी जो टीका दिया जाता है वो दे, और हम चाहते हैं कि हमारे बस्ती में आंगनवाड़ी खुले। मतलब अनाज नहीं मिलता राशन महीने का आंगनवाड़ी से, वो मिलना मांगता है, और जो बच्चे उन लोग को मतलब रोज का खाना मिलना मांगता है, इसलिए हम लोग आंगनवाड़ी अपने एरिए में लाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आज जाके वही अर्जी दे के आए आंगनवाड़ी। भीमनगर मानकुर से यशोधरा साहब, इंडिया अनहट के लिए।